मेरे देशवासियों को मेरा चिंता भरा नमस्कार। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने चिंता भरा नमस्कार क्यों किया। चिंता भरा नमस्कार मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो हालात अभी इस समय हो रहे हैं कोविड को लेके, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, तो मेरे ख्याल में कुछ बातें थी जो मैं अप्लाई करने जा रहा था। मैं सोचा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को भी बता सकूँ। आपको अगर मेरी राय मशवरा अगर समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं क्योंकि उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है टाइम रहते। किसी की ऑक्सीजन की वजह से मौत हो जा रही है, किसी की वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, सही उपचार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, इसलिए लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल लाइन में या जो भी, सब व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, चरम सीमा पे चल रही हैं। पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है मेडिकल लाइन का, जो भी हमारी व्यवस्था थी सब, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले के मुताबिक इस बार बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत बड़ी मात्रा में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो मैं एक बार, मेरे ख्याल में एक बात आई कि क्यों ना अगर हम लोग कब तक सरकार की बदौलत बैठे रहेंगे कि सरकार हमारा इलाज कराएगी, ऑक्सीजन देगी और हमें वेंटिलेटर मुहैया कराएगी। तो अगर हम चाह लें तो हम अपनी कॉलोनी में अपने एरिया के लोग जो हैं उनसे बात करें, अपने मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे बात करें। तो हम अगर ये बात करके अगर हम लोगों से चंदा लें या कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करें और उससे हम अपना ऑक्सीजन अरेंज करें, वेंटिलेटर अरेंज करें, सैनिटाइज़र अरेंज करें, मास्क अरेंज करें और आपका ऑक्सीमीटर अरेंज करें, थर्मामीटर अरेंज करें, जितनी हमारी कैपेसिटी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी वैसी स्थिति हो नहीं रही लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो गए। तो अगर हम ये करते हैं बात करके तो ऑक्सीजन हम अरेंज करते हैं या वेंटिलेटर अरेंज करते हैं या ऐसी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था अगर हम करते हैं, क्योंकि अभी टाइम ये है कि हम सभी को मेडिकल लाइन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत, ये तो शहरों की बात है जहाँ पे व्यवस्थाएं एकदम ख़त्म हो चुकी है। बहुत सा ऐसी जगह है जहाँ पे ना मेडिकल कोई फैसिलिटी है ना कुछ है। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मैं यूपी सोनभद्र का रहने वाला हूँ, वहाँ से इलाज कराने लोगों को 175 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है BHU हॉस्पिटल बनारस। मैं रेणुकूट का रहने वाला हूँ, वहाँ से उतनी दूर उनको जाना रहता है। मान लीजिए अगर किसी की कंडीशन ख़राब है, बहुत लोग जाने में ही दम तोड़ देते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद से अरेंज करें कुछ। सरकार की बदौलत कब तक बैठे रहेंगे, सरकार तो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी सरकार, क्योंकि अब उनके बस की बात नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम चंदा ले के, लोगों से हेल्प ले के, ऑक्सीजन और जो चीज़ें ज़रूरत हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब अरेंज करें अपने मोहल्ले में या अपने कॉलोनी में या अपने कहीं पे भी एक हॉल में वो सब व्यवस्था लगा सकें। और क्योंकि आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में आप खुद बहुत लोगों को जानते होंगे जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे ऑपरेट करना है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उससे बहुत सारी जानें बच सकती हैं, बहुत सारी जानें इसलिए बच सकती हैं क्योंकि बहुत लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, तो उससे लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। तो हो सकता है कि हम लोग ये इसको करके कुछ लोगों की जान बचा सकें। मैं तो इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ये नॉलेज को। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो टाइम ये है कि हम खाली टाइम को यूटिलाइज़ करें और इस बारे में सोचें कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कोविड टाइम में। तो मेरे ख्याल में ये बात थी कि हम लोगों से मदद लेके, खुद अपनी पैसा अरेंज करके
ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मुहैया कर सकते। बहुत से हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुद वेंटिलेटर और ऑक्सीजन खुद अरेंज कर सकते हैं, किसी की उनको चंदे की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने एरिया को, अपनी कॉलोनी को, अपनी सोसाइटी को सेफ कैसे कर सकते हैं। तो आप अपनी सोसाइटी को, एरिया को इस तरीके से भी सेफ कर सकते हैं कि सरकार के बदौलत ना बैठे। और अगर आपको अपनी जान नहीं तो अपने घर वालों की, अपने दोस्त की, मित्र की, यारों की जान बचानी है, तो हमको खुद आगे बढ़ के ये काम करना पड़ेगा। और घबराए नहीं, एक बार शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।